सभी को नमस्कार, और बहुत अच्छा लगा कि पोएट्री आर्ट के इस मंच पर लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लिखने वालों की संख्या बढ़ रही है, और आज काफ़ी नई कविताएं सुनने को मिली, और आप लोगों से फिर दोबारा मिलने का भी मुझे मौका मिला। और जहां मैंने कपिल जी को और इधर डॉक्टर साहिबा को सुना, तो मैं नहीं समझता कि ये प्रतियोगी हैं और इन्हें कोई नंबर देने चाहिए, ये उसमें नहीं आते बिल्कुल भी। इसके अलावा जितने भी लिखने वाले हैं बहुत अच्छा लिख रहे हैं, जितनी लगन से लिख रहे हैं, वो जितने भावपूर्ण तरीके से लिख रहे हैं, वो वास्तव में प्रशंसा के पात्र हैं सभी। हाँ, रास्ता लंबा है, जूते मजबूत पहनने होंगे, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाव तो आपके दिल में भरे हुए हैं, लेकिन उस भाव के साथ साथ इतना सारा सामान लेके लंबे रास्ते पे कैसे चलना है, इसकी थोड़ा कौशल इसका आपको सीखना होगा। कुछ ऐसी चीज़ें सीखनी हैं कि आप कक्षा में जाते हो या अपने बैग में कोई किताब रखते हो, तो अंदर के जो पेजेस हैं या लेसन हैं वो तो आप पढ़ते हो, लेकिन पढ़ने से पहले मेरा ये कहना है कि आप जो कवर है उसको जानो कि वो क्या है। अगर आप गज़ल कह के गज़ल लिख रहे हो, तो गज़ल क्या है उसकी परिभाषा आपको आनी चाहिए, उसका फॉर्मेट आपको आना चाहिए। गज़ल की क्या बहरें हैं ये आपकी थोड़ी समझ आनी चाहिए। 19 बहरें होती हैं, 9 मूल बहरें हैं, 12 मिश्रित बहरें हैं, एक बहर भी पकड़ के आप लिखना शुरू कर दो तो गज़ल की बात होती है। मतला क्या है, काफिया क्या है, रदीफ क्या है, हैं उसके बाद मक्ता क्या है, हैं हुस्ने मतला क्या है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे अभ्यास से आती हैं। तो मेरा ये मानना, अगर कुछ भी लिखो, चाहे गीत लिखो, गज़ल लिखो, मुक्तक लिखो, हाइकू लिखो, कोई दोहा लिखो, चौपाई लिखो, सवैया लिखो, जो लिखो, पूरी तकनीक के साथ, दक्षता के साथ लिखो। और इसके लिए दक्षता कैसे आएगी? दक्षता आएगी आपके पढ़ने से। आप दूसरों को पढ़ना सीखिए, आप हिंदी का व्याकरण सीखिए, कहाँ कोमा लगना है, कहाँ फुल स्टॉप लगना है, कहाँ छोटी मात्रा आएगी, कहाँ बड़ी मात्रा आएगी, इसका ज्ञान भी सबसे पहले आपको होना चाहिए। सबसे पहले आपकी वर्तनी का दोष दूर होना चाहिए लिखने में। भाव हैं, लिखो, कॉपी लिखो। मैंने देखा है कि कुछ एक लोग इंग्लिश में लिख के लाए और हिंदी में उसको सुना रहे थे, कुछ ऐसा था क्या? ऐसा मैंने एक दो लोगों में देखा कि उनकी लिपि जो है वो इंग्लिश में है, लेकिन वो उसको हिंदी में उसको सुना रहे थे, यानी इस टाइप का किया उन्होंने। तो आप हिंदी में लिखिए, हिंदी में वर्तनी का दोष भी दूर कीजिए, उसके बाद उसमें भाव पैदा जो होंगे उसका शिल्प की तरफ जाइए, भाषा का चुनाव कीजिए। ये तब संभव है जब आप दूसरों को पढ़ोगे, दूसरों को सीखोगे। हो क्या रहा है कि आज़ादी के बाद हमारे लिखने पढ़ने की क्षमताएं तो घट गई हैं और देखने सुनने की क्षमताएं बढ़ गई हैं। यही कारण है कि हम किताबें बहुत कम पढ़ते हैं, हम अखबार बहुत कम पढ़ते हैं, हम दूसरों को भी कम पढ़ते हैं, हम अपने चैप्टर भी कम पढ़ते हैं, अपने जो पाठ्यक्रम में हमारी जो पुस्तकें हैं हम उसको भी बहुत कम पढ़ते हैं, हम लंबी कहानी कोई आयत है हम उसको भी छोड़ देते हैं, हम 4-4 लाइन 10-10 लाइन की कविताएं पढ़ते हैं बस, वो भी अपनी लिखी हुई, दूसरे की वो भी नहीं पढ़ते। देखने सुनने की क्षमताएं, यही वजह है कि आप व्हाट्सअप, सोशल मीडिया पे, अपने मोबाइल पे, टीवी चैनल्स पे, इनकी तरफ भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ भाग रहे हैं, जो डिजिटल है उस तरफ तो आप जा रहे हैं। ठीक है, परिवर्तन आवश्यकता भी है और उस तरफ जाना भी चाहिए, लेकिन अपने मूल को नहीं भूलना। इंसान के पास पंख अगर हैं आसमान को नापने के लिए, तो आपके पास यथार्थ के पांव भी होने चाहिए। कल्पनाओं के पंख रखिए, लेकिन यथार्थ कल्पनाओं के पंख को तो रखिए, लेकिन यथार्थ के पांव होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि मंजिल तक आपको यथार्थ के पांव ही लेकर चलेंगे, पंख लेकर नहीं चलेंगे। पंख आपको आसमान तक तो ले जाएंगे, लेकिन पंख कहाँ तक जवाब दे जाएंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये भी आप पर निर्भर करता है कि दक्षता आपकी कितनी मजबूत हो सकती है, ऊपर ऊपर तैरना है या उसमें डूब जाना है। जितना गहरा उतरना है कविता वहीं से निकल के आएगी, वो जवाहरात, हीरे, मोती, हीरे छोड़ो मोती, वो वहीं से निकलेंगे। जो गहरे पैठ जिसने बनाई, जो गहरा उतरा, कविता बहुत आसान नहीं है लिखना, कविता को पाने के लिए बहुत श्रम चाहिए, एक उम्र चाहिए और उस उम्र के बाद की भी कोई उम्र चाहिए। कविता आसानी से नहीं हाथ लगती, जिसके हाथ लग गई वो तो मस्त हो गया, उसे महसूस हुआ कि वास्तव में क्या है। प्यार ट्रकों के पीछे लिखे हुए स्लोगन नहीं है, प्यार रामायण है, गीता है। प्यार के पीछे के मर्म को समझें। प्यार कोई फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है,
प्यार आत्मा का स्वर है, उस स्वर को पकड़ना सीख जाओ। जब वो स्वर आप पकड़ लोगे तो वो प्यार आपको अपनी कविता से भी हो जाएगा, वो आपको अपने करियर से भी हो जाएगा, अपने माँ बाप से भी हो जाएगा, इस समाज से भी हो जाएगा। तब आपको टाइम मैनेजमेंट की भी आवश्यकता नहीं कपिल जी। आप जब लगन से लग जाते हो ना, प्यार किसी चीज़ से होता है, नीरजा ने सही कहा, तो आप फिर उसमें समय देते हो, अपनी नींद खो जाते हो। अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि सपने वो नहीं जो बंद आँखों से देखे जाते हैं, सपने वो है जागती आँखों से देखते हैं और उसके बाद उसको हम साकार करते हैं, जो सोने ना दे हमें बेचैन कर दे। तो ये बातें होनी चाहिए। और कविता के थोड़े से संस्कार जो मैंने अपने गुरु डॉक्टर कुंवर बेचैन, जो बहुत बड़ी हस्ती हैं, उनसे सीखा, तो वर्तनी दोष और ये लिखने में तो इन बातों का ध्यान रखना ही है, लेकिन जब भी कविता पाठ करें, ख़ास तौर पे कविता पाठ करें, जूते चप्पल उतार के करें। हमेशा मंदिर में जाते हो क्या, जूते लेके जाते हो आप? नहीं जाते। आरती करते हो, पूजा करते हो, तो जूते लेकर बैठ के पढ़ते हो क्या उसको? नहीं करते ना। मस्जिद में जाते हो, इबादत करते हो, जूते कहाँ होते हैं? बाहर होते हैं। वजू करके जाते हो, हाथ धो के मस्जिद में जाओगे आप, कुल्ला करके हाथ धो के भी मंदिरों में जाते हो। तो ऐसी कविता लिखना भी पूजा है। हम सभी वाणी पुत्र हैं, माँ शारदा के दिए हुए उपहारों को हम प्रस्तुत करते हैं, हम उसकी उपासना करते हैं। तो इस उपासना को, इस साधना को और बढ़ाइए, जूते चप्पल उतार दीजिए। जो इधर खटकन है ना, वो अपने आप दूर हो जाएगी। उन्होंने सिखाया, मेरे गुरु ने, बहुत सारी चीजें सिखाई। उन्होंने यही कहा कि कविता एक उपासना है, उसको करने के लिए उस कविता के संस्कार भी आपके अंदर आने चाहिए। इस तरफ ध्यान दीजिए और दूसरों को खूब पढ़िए, और पढ़ने के बाद लिखिए, लिखने के बाद मत पढ़िए। चार लाइन लिखी फेसबुक पर डाल दी, चार लाइन लिखी व्हाट्सएप कर दिया, ऐसे नहीं। थोड़ा सा शिल्प को पकड़िए तो अच्छा लगेगा। भाषा को पुष्ट बनाइए। शब्द शक्ति की बात की, शब्द में तीन शब्द शक्तियाँ होती हैं, आपने पढ़ा भी होगा अपने पाठ्यक्रम में। क्या होता है, क्या होता है शब्द शक्ति, क्या होती है? तीन शब्द शक्तियाँ होती हैं, एक अभिधा, दूसरी लक्षणा और तीसरी व्यंजना। अब उदाहरण देके मैं स्पष्ट करता हूँ कि शब्द शक्तियाँ क्या होती हैं। अभिधा क्या होता है? सामने वाले को सीधा सीधा बोल दो, तू मूर्ख है, तो ये सीधा सेंटेंस हो गया, इसमें कोई दूसरा अर्थ नहीं निकल रहा। मूर्ख वाले पागल है, मूर्ख है, ना समझ है, तू मूर्ख है, तो ये अभिधा शब्द शक्ति हुई। लेकिन लक्षणा में आपको, तू गधा है, अब वो गधा तो नहीं है जो चार पैर हैं जिसके, वैसा तो नहीं है, लेकिन अर्थ क्या दे रहा है ये सेंटेंस जो है, तू गधा है, वही है कि तू मूर्ख है। तो यानी किसी के लक्षण उसमें दिखाई दे, तो ये लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और तीसरी शब्द शक्ति सबसे ऊंची होती है, जिसमें व्यंग्यकार, जिसको बोलते हैं ना व्यंग्य शैली का प्रयोग करते हैं, तो ये होता है ओहो तू तो बहुत बड़ा पंडित है। ये है व्यंजना शब्द शक्ति, पंडित है कह तो हम रहे हैं, तू तो बहुत बड़ा पंडित है, लेकिन अर्थ क्या निकल रहा है उसका? अर्थ वही निकल रहा है कि तू मूर्ख है, है ना। तो ये तीन शब्द शक्तियाँ इस तरह से होती हैं। आप जितना अभ्यास करोगे, आपकी कविता में वैसे ही शब्द आने शुरू हो जाते हैं जैसे आपके भाव हैं। उन भावों को अनुकूल शब्दावली जब आप देना शुरू कर देते हो, तब समझें कि आप समाज के सामने अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हो। तो इन तीन शब्द शक्तियों को आज याद कर लीजिए। पहला, तीन शब्द शक्तियाँ अभिधा, दूसरी लक्षणा, तीसरी व्यंजना, जो सबसे अच्छी मानी जाती है। लक्षणा और व्यंजना सबसे अच्छी मानी जाती हैं, ठीक है, जिसके दूसरे अर्थ भी होते हैं, और कविता दूसरे अर्थ भी देती है। क्योंकि आप एक कविता एक 10 लोगों के बीच में सुनाओगे तो 10 लोग आपकी कविता को 10 तरीके से समझते हैं, समझते हैं ना। तो पहला, शब्द शक्ति, भाषा शैली मजबूत करें। दूसरे, कविता के संस्कार होते हैं कि आप जब भी कविता पाठ करें, जूते चप्पल उतार के करें, बहुत ज़रूरी, ठीक है। तीसरा, दूसरे कवियों को भी पढ़ें, उन्हें सुनें, उनमें क्या अलग चमत्कार है जो लोग उनकी तरफ भागते हैं सुनने के लिए। नीरज जी को पढ़ें, सुमित्रनंदन पंत को पढ़ें, जयशंकर प्रसाद को पढ़ें, निराला को पढ़ें, बच्चन जी, अमिताभ बच्चन नहीं, उनके पिता हरिवंश राय बच्चन जी को पढ़ें, इन लोगों को पढ़ें, फिराक को पढ़ें जो गज़लें कहते हैं, फिराक को पढ़ें, जिगर मुरादाबादी को पढ़ें,
हैं, जॉन ओलिया को पढ़ें, जो जो बताई बातें इनको पढ़ें हैं, और मुनव्वर राणा को सुने। यूट्यूब चैनल पर भी आप इनको सुन सकते हैं, नहीं पढ़ा जा रहा उनको सुन लो, सुनने से आपको पता चलेगा कि हाँ वो किस तरह की बातें, किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपके अंदर वो बातें देखिए सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते आनी शुरू हो जाती हैं। पढ़ना मत छोड़िए, पढ़ने से आपको बहुत बल मिलेगा, आपकी भावनाओं को बहुत उड़ान मिलेगी और आपको चलने की ताकत मिलेगी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। समय बहुत ज़्यादा हो गया, 10 से 1 बजे तक का समय था और एक जगह और पहुंचना था, 2 बज गए हैं। मैं 10 मिनट भी नहीं लूँगा, उससे पहले कुछ कविता पाठ की आदेश हैं। सुनना चाह रहे हैं क्या कविता? पीछे वाले भी सुनना चाह रहे हैं, कमरे के बाहर बैठे हैं जो बातों में तो नहीं लग रहे। चलिए आपको कुछ सुनाता हूँ। ये दीप चले गए क्या या बैठे हैं? चले गए। वो मेरी बात का शायद बुरा मान रहे हो कि एकदम मैंने उन्हें टोक दिया। मेरा टोकना का अर्थ ये था अगर मैं नहीं टोकता तो वैसा ही लिखते रहते। अब वो थोड़ी सी गज़ल के बारे में तलाश शुरू करेंगे, ये आवश्यक होता है ना। और एक बच्ची सामने बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन उसमें एक बच्ची थी जिसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था, उसकी लेखनी अच्छी थी, कनिका सोनकर, बहुत अच्छा लिखा उसने, बहुत अच्छा, इसके लिए ज़ोरदार ताली। यानी लिखना और उसी भाव को उसी सब्जेक्ट पे टिके रहना और उसको फिर अभिव्यक्त करने, यानी उसका प्रेजेंटेशन, उसका प्रस्तुतिकरण, वो मायने रखता है। सभी का अच्छा था, आबिद भाई का भी बहुत अच्छा था, इधर भी बहुत अच्छे थे। कपिल भाई आपका तो जवाब क्या, मैं तो अपने गाज़ियाबाद में ही अखिल भारतीय साहित्य परिषद मेरठ प्रांत, अखिल भारतीय साहित्य परिषद में 5000 इकाइयाँ हैं पूरे वर्ल्ड में, अलग अलग प्रांत बने हुए। 1966 में प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध साहित्यकार और उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार जी ने इसकी स्थापना की थी। आज हर शहर में इसकी जो है इकाइयाँ गठित हैं। तो अखिल भारतीय साहित्य परिषद गाज़ियाबाद का पहले मैं सचिव हुआ करता था, लेकिन मुझे उत्तर प्रदेश के यहाँ से मेरे कामों को देखते हुए और उन्होंने एक कार्यक्रम में मुझे जो है मेरठ प्रांत का संयुक्त महासचिव घोषित किया जून महीने में, जिसके अंतर्गत 12 ज़िले आते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। और 12 ज़िलों में मैंने क्या काम किया, महसूस किया कि वहाँ पर जो है लिखने वाले तो हैं लेकिन वो इकाइयाँ गठित नहीं हैं, परिषद की वजह से जुड़ाव नहीं है। तो फिर मैंने सबसे पहले गाज़ियाबाद की इकाई के अलावा ट्रांसेंडन इकाई साहिबाबाद में वो गठित कराई, दूसरी फिर मैंने नोएडा में गठित कराई है और इसके अलावा तीसरी गठित कराई फिर मैंने बागपत में, आपके जाके भूपेंद्र शर्मा जी के यहाँ जाके बागपत में, और इसके बाद फिर मैंने गठित कराई हापुड़ में, उसके बाद गठित करा दिया अमरोहा में, अब हम गठित कराने जा रहे हैं सहारनपुर में, जिसमें सुप्रसिद्ध गीतकार राजेंद्र राजन जी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं बहुत जल्दी, वो उन्होंने स्वीकृति दे दी हमें। तो ऐसी मुरादाबाद में भी हम गठित कर रहे हैं, ऐसी हम कई 12 ज़िलों में गठित करेंगे और उसमें एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म में हमने हमारी साहित्य परंपरा विषय पर एक व्याख्यान माला चला रखी है जो कई जगह की है, साथ ही नई कार्यकारिणी का गठन भी किया है और साथ साथ में नए लोगों को जोड़ते हुए कवि गोष्ठियों का भी आयोजन हम करते हैं। तो उसमें कुछ लोग जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, सतीश जी आपके इस मंच के माध्यम से मैं अनाउंस करना चाहता हूँ, हम उनको बुलाएंगे, अपने यहाँ जोड़ेंगे, कविता पाठ के लिए बुलाएंगे, उन्हें सम्मान बुलाएंगे। उसमें कनिका भी होंगी, उसमें सतीश जी भी होंगे, उसमें आप लोग भी होंगे, सभी लोग होंगे। तो कुछ कविता की बात हो जाए, थोड़ा सा आपको और हल्का करता हूँ, बोझिल कर दिया होगा अपनी बातों से मैंने। समंदर बन के तो हरगिज तुम्हारा हो नहीं सकता, समंदर बन के तो हरगिज तुम्हारा हो नहीं सकता, मुझे दरिया ही रहने दो, मैं खारा हो नहीं सकता। कि समंदर बन के तो हरगिज तुम्हारा हो नहीं सकता, मुझे दरिया ही रहने दो, मैं खारा हो नहीं सकता। मैं मिट्टी की तरह मिट्टी से जुड़ना जानता हूं बस, मैं उस मगरूर अंबर का सितारा हो नहीं सकता। मैं मिट्टी की तरह मिट्टी से जुड़ना जानता हूं बस, मैं उस मगरूर अंबर का सितारा हो नहीं सकता। मिट्टी पे 4 मिसरे, 4 पंक्तियां और देखेगा, पता नहीं था परों में वो जान भर देगा, पता नहीं था परों में वो जान भर देगा, मेरे नसीब में वो आसमान भर देगा, पता नहीं था परों में वो जान भर देगा, मेरे नसीब में वो आसमान भर देगा। इसीलिए तो मैं लिपटा हुआ हूं मिट्टी से, कि आसमान तो मुझ में गुमान भर देगा।
ये आसमान तो मुझ में गुमान भर देगा, वो मेरे होठों से वो आँखों का पानी जोड़ देता है, वो ईश्वर मेरे होठों से वो आँखों का पानी जोड़ देता है, मैं हंसता हूँ तो वो गम की कहानी जोड़ देता है, मैं हंसता हूँ तो वो गम की कहानी जोड़ देता है, मैं मिट्टी का बना हूँ सोचता हूँ जब भी ये जब मैं मिट्टी का बना हूँ जब कभी भी सोचता हूँ ये, वो मुझ में रंग सारे आसमानी जोड़ देता है, वो मुझ में रंग सारे आसमानी जोड़ देता है। और कुछ बातें सुनाता हूँ, उजाले की हुई पत्थर सरीखी पीर को तोड़े, कि उजाले की हुई पत्थर सरीखी पीर को तोड़े, उठो उठकर अंधेरे की कड़ी प्राचीर को तोड़े, और नहीं तो आंख के दरिया ये सारे सूख जाएंगे, हृदय के पर्वतों से दर्द की तासीर को तोड़े, हृदय के पर्वतों से दर्द की तासीर को तोड़े, और अब ना आए तो कल आएंगे, कि अब ना आए तो कल आएंगे, मुश्किलों के भी हल आएंगे, अब ना आए तो कल आएंगे, मुश्किलों के भी हल आएंगे, दर्द की दलदलें हैं तो क्या इनमें सुख के कमल आएंगे, दर्द की दलदलें हैं तो क्या इनमें सुख के कमल आएंगे, और पहले तिमिर में दर्द से लथपथ मिले मुझे, तिमिर माने अंधेरा, पहले तिमिर में दर्द से लथपथ मिले मुझे, पहले तिमिर में दर्द से लथपथ मिले मुझे, फिर उसके बाद रोशनी के पथ मिले मुझे। पोएट्री आर्ट के लिए ये, कि पहले तिमिर में दर्द से लथपथ मिले मुझे, फिर उसके बाद रोशनी के पथ मिले मुझे, चलता रहा तो शूल भी फूलों में ढल गए, जब तुम मिले तो हौसलों के रथ मिले मुझे, जब तुम मिले तो हौसलों के रथ मिले मुझे। एक रचना वैसे सुनाना चाह रहा था, लेकिन समय को देखते हुए, और अब कल ये कुछ पंक्तियाँ मैं साहित्य आज तक पे भी सुनाया आया और उनके वीडियो में भी आ गया है, उससे पहले भी एक जगह सुना दिया और भी दिवाली पे भी सुना दिया था, एक नई रचना मैंने लिखा तो काफ़ी कुछ है, और मैं आपको बता भी दूँ कि वैसे तो चुप रहना ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन जो काम के परिणाम आ जाएँ तो फिर बता देना चाहिए। तो भारत सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं दो, जिसमें एक प्लास्टिक और पानी, ये दो अभियान हैं, उसके संकल्प हैं, उस पर दो गीत लिखे मैंने भारत सरकार की तरफ से, एक सिंगर गा रहे हैं गुड़गांव के, और मुंबई में उसकी रिकॉर्डिंग होगी, और लता जी और आशा जी के लिए जो संगीत का काम करते हैं, और टी सीरीज़ में जो भगवान कृष्ण के गीतों को बनाते हैं संगीत उनके लिए और गाते भी हैं कृष्ण के, जो आप सुनेंगे वो विजेंद्र चौहान जी हैं, वो संगीतकार हैं, वो धुनें बना रहे हैं इनकी। तो प्लास्टिक और पानी पे मैंने दो गीत ऑन डिमांड लिखे, इसके अलावा एक म्यूज़िक एल्बम भी अभी मैंने साइन की है, जिसमें 6 गीत लव सॉन्ग्स होंगे, और उसमें 2 गीत मेरे लिख के मैं दे चुका हूँ, और उस पर भी काम चल रहा है, और वो 2 टी सीरीज से शायद वो एल्बम आएगा जिसमें 6 गीत हैं, और भगवान ने चाहा और समय मिला तो इस एल्बम को रिलीज़ किया जाएगा मुंबई में, और उसको रिलीज़ करेंगे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी में, लक्ष्मीकांत जी तो चले गए लेकिन प्यारेलाल जी के हाथों वो उसका विमोचन होना है, लोकार्पण होगा, तो ये तैयारियां अंदर खाने चल रही हैं। तो मैं इसलिए बता रहा था कि मैं उसमें से एक गीत आपको सुनाना चाह रहा था तो मैं पानी पे सुनाना चाह रहा हूँ आज आपको, तो प्लास्टिक पे तो अभी मेरा कुछ महिलाओं ने गीत एक गाया था, वीडियो मैंने भेजा भी था कई जगह, वो तो पानी पे सुनाता हूँ। पानी के बारे में मुझे कहा गया कुछ लिखो पानी पर, तो मैंने पहले अध्ययन किया, मैंने पढ़ा कि, और आश्चर्य भी हुआ कि धरती पे जो 100% पानी है, भारत के पास पता है कितना पानी हम उसका जो है, केवल 5%, केवल 5% हमारे पास है, और 5% में भी 3% पानी ऐसा जो पीने योग्य नहीं है, खारा है, समंदर का है, नदियों का, नालों का है, और 2% पानी है जो पीने लायक है, और जिसको भी हम जो है अवैध तरीके से दोहन ज़मीन के अंदर से खींच रहे हैं और वेस्ट कर रहे हैं। तो आने वाले समय में 2030 तक ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि पानी पीने का हमारे पास बचेगा नहीं, तो पानी बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जल ही जीवन है, तो जीवन को तो बचाना है, तो इसलिए गीत मैंने पानी पे फिर लिखा, और कैसा लिखा है वो आप लोग बताएंगे, मैं कभी गाता नहीं मंचों पर, लेकिन आज उसको गा के सुनाता हूँ, ठीक है, मेरे साथ आप रिदम दीजिएगा मैं बताऊँ तो, वैसे है ना, बहुत हल्की हल्की बातें, यहाँ तक नहीं आएगी, यहाँ तक जाएगी सीधी,
ये भी चिंता ना करो, यहाँ नहीं अटकेगी बैरियर पे, सीधे अंदर जाएगी, ठीक है। तो ये समझो कि मैं हर जगह यहाँ की और यहाँ की कैसेट की बातें अपनी सुना देता हूँ, लेकिन जो भीतर की कैसेट होती है ना उसको मैं खोल नहीं पाता, सुना नहीं पाता किसी के सामने। आज यहाँ की बात सुनाता हूँ, आप सुनिएगा। हैं आओ बचाएं पानी, आओ बचाएं पानी, आओ बचाएं पानी, आओ बचाएं पानी, पानी नहीं तो जीवन जीना है बेईमानी। आओ बचाएं पानी, आओ बचाएं पानी, पानी नहीं तो जीवन जीना है बेईमानी। पानी नहीं तो पंछी, पानी नहीं तो पंछी, ये पेड़ फल ना होंगे। पानी नहीं तो पंछी, ये पेड़ फल ना होंगे। खुशियों के कल हमारे, देखो ये कल ना होंगे। खुशियों के पल हमारे, देखो ये कल ना होंगे। पानी बिना अधूरी, पानी बिना अधूरी, सांसों की ये कहानी। पानी बिना अधूरी, सांसों की ये कहानी। आओ बचाएं पानी, आओ बचाएं पानी, आओ बचाएं पानी, आओ बचाएं पानी, पानी नहीं तो जीवन जीना है बेईमानी। पंक्तियां देखिएगा। पानी हमें सिखाता, पानी हमें सिखाता, कैसे सरल बने हम। पानी हमें सिखाता, कैसे सरल बने हम। अविरल बहे जहाँ में, मन से तरल बने हम। अविरल बहे जहाँ में, मन से तरल बने हम। अविरल बने जहाँ में, मन से तरल बने हम। पानी नहीं तो रूखी, पानी नहीं तो रूखी, हो जाएगी ये बानी। पानी नहीं तो रूखी, हो जाएगी ये बानी। आओ बचाएं पानी, आओ बचाएं पानी, आओ बचाएं पानी, आओ बचाएं पानी। पानी नहीं तो जीवन जीना है बेईमानी। पानी से ये धरा है, पानी से सब कुछ है। पानी से ये धरा है, पानी से ये गगन है। पानी से ये धरा है, पानी से ये गगन है। पानी से सृष्टि सारी, पानी से ही वचन है। पानी से सृष्टि सारी, पानी से ही वचन है। पानी है पीढ़ियों की, पानी है पीढ़ियों की, अमृत भरी निशानी। पानी है पीढ़ियों की, अमृत भरी निशानी। आओ बचाएं पानी, आओ बचाएं पानी, आओ बचाएं पानी, आओ बचाएं पानी। पानी नहीं तो जीवन जीना है बेईमानी। अंतिम पंक्तियाँ हैं। आओ एकदम देते रहो। आओ बचाएं पानी, आओ बचाएं पानी, पानी नहीं तो जीवन जीना है बेईमानी। सौगंध आज खाएं, हर बूंद को बचाएं। सौगंध आज खाएं, हर बूंद को बचाएं। ताकत हमारी पानी, हर एक को बताएं। ताकत हमारी पानी, हर एक को बताएं। पानी अगर है तो है, पानी अगर है तो है, पानी अगर है तो है, सांसों की ये रवानी। पानी अगर है तो है, सांसों की ये रवानी। आओ बचाएं पानी, आओ बचाएं पानी, आओ बचाएं पानी, आओ बचाएं पानी। पानी नहीं तो जीवन जीना है बेईमानी। पानी नहीं तो जीवन जीना है बेईमानी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।